बुशरा खान सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम हमला, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हम सबको ऐसे घिनौने नफरत अंगेज इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। कैनेडियन सूबा ओंटारियो भर के फूड बैंक दबाव का शिकार, सूबाई हुकूमत से शहरियों को आसानी के लिए मजीद इकदाम का मुतालबा। फूड बैंकों का कहना है कि वो तबाही के दहाने पर हैं। टोरंटो में शदीद सर्दी की लहर, माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं के सबब मौसम मामूल से ज्यादा सर्द होगा। शहर में 15 से 35 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। रूस, यूक्रेन, मालदो बर्फानी तूफान की लपेट में, 13 अफराद हला। समंदरी तूफान ने रूसी और यूक्रेनी शहरों को तहबाला कर दिया। 20 लाख अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें पानी में डूब गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ke shehar Montreal mein Yahudi community center par petrol bomb se hamla kiya gaya hai, taham hamle mein koi jani nuksan nahi hua. मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के पुलिस चीफ ने पीर को कहा कि मॉन्ट्रियल मुसलमानों और यहूदी बिरादरियों को निशाना बनाने वाले नफरत अंगेज वाकयात की बेमिसाल तादाद से निमट रहा है। कनाडा के वजीर आजम ने मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से किए जाने वाले हमले को घिनौना और नफरत अंगेज करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले के वक्त इमारत में कोई शख्स मौजूद नहीं था। हमला आवर बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मैं कल मॉन्ट्रियल की यहूदी कम्युनिटी काउंसिल की इमारत पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। साम दुश्मन तशद्दुद की मुसलसल कार्रवाइयाँ अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हैं और इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए। हम सबको ऐसे घिनौने नफरत अंगेज इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। कैनेडियन सूबा ओंटारियो भर के फूड बैंक सूबाई हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम करें कि लाखों रिहायशी भूखे ना रहें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो भर के फूड बैंक सूबाई हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम करें कि लाखों रिहायशी भूखे ना रहें, क्योंकि फूड बैंकों का कहना है कि वो तबाही के दहाने पर हैं। क्वींस पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड ओंटारियो के CEO कैरोलिन स्टीवर्ट ने कहा कि उनके डेटा से पता चलता है कि 3 अहम ड्राइवर्स हैं जिन पर हुकूमत की तरफ से तवज्जो दी जा सकती है। स्टीवर्ट ने कहा कि ये गैर यकीनी काम में तरक्की पजीर तरक्की, हमारे समाजी मुआवनत के प्रोग्रामों का कटाव और सस्ती और मौबन मकानात में सरमायाकारी करने में नाकामी है। पिछले साल के दौरान ओंटारियो में फूड बैंक के इस्तेमाल में 38% इजाफा हुआ और 8 लाख से ज्यादा अफराद ने तकरीबन 60 लाख दौरे किए हैं। जैसा कि फूड बैंक महीनों से कह रहे हैं, रोजगार गुर्बत से निकलने की जमानत नहीं देता। ओंटारियो में फूड बैंक के 6 में से 1 से ज्यादा अफराद का कहना है कि उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया रोजगार है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 40% ज्याद है। फूड बैंकों की अक्सरियत 69% का कहना है कि वो ग्राहकों के लिए काफी खुराक ना होने के बारे में फिक्रमंद हैं। मुतादिद फूड बैंक इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो भी तबाही के दहाने पर हैं। स्टेवर्ट ने कहा कि फूड बैंक कोई सरकारी फंड नहीं लेते हैं और ये वो नहीं जो वो मांग रहे हैं। फूड बैंक सूबाई समाजी इमदाद में इजाफा देखना चाहते हैं।
कमाई गई आमदनी और सरकारी फवायद पर शिकंजा कम करना चाहते हैं। किराएदारों के तहफ्फुज़ात को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को अपने सर पर छत रखने या ग्रोसरी खरीदने में से इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं है। मयारी मुलाजमतें पैदा करना और मुलाजमत की बीमा की इस्लाह में हुकूमत कनाडा की मदद करें ताकि ज़्यादा ऑन्टेरियन प्रोग्राम के अहल हों। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में तूफान के 70% इम्कान और दर्जा हरारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो के कुछ मुसाफिरों को पीर की सुबह सर्दियों के मौसम का पहला जायका मिला जब शहर के मरकज से बाहर के इलाकों में बर्फ पड़ गई। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में तूफान के 70% इम्कान और दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम माहरीन मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं के सबब यह मामूल से ज्यादा ठंडा महसूस होगा। GTA के शुमाल में कुछ इलाके अब बर्फानी तूफान की वार्निंग के तहत है। माहरीन मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में पीर की दोपहर और मंगल तक 15 से 35 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है जिसकी 24 घंटों में अहम वजह से अगले सफरी खतरात पैदा हो सकते हैं। हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत जुमेरात को 5 सेंटीग्रेड और जुमे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कदरे गर्म होने की तवक्को है। समंदरी तूफान ने रूसी और यूक्रेनी शहरों को तहबाला करके रख दिया है। रूस के सरकारी मीडिया और यूक्रेन की वजारत तवानाई के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान ने रूसी और यूक्रेनी शहरों को तहबाला करके रख दिया है। रूस के सरकारी मीडिया और यूक्रेन के वजारत तवानाई के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफान के बाइस मुख्तलिफ शहरों में सड़कें पानी में डूब गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली की तारें टूट गईं और बिजली के सब स्टेशन फेल हो गए जिससे इलाके के तकरीबन 1.5 लाख घर बिजली से महरूम हुए। तफसीलात के मुताबिक बहीरे असद के इलाके में आने वाले समंदरी तूफान की हवाओं और शदीद सैलाब ने रूस के जनूब में तकरीबन 19 लाख अफराद को बिजली से महरूम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने तूफान को सुनामी से तशबीह दे दी। इतवार की रात और पीर की सुबह तूफान से ओडिशा, मैकोलाइव और कीव समेत यूक्रेन के 16 इलाकों में 2000 से जायद कस्बे और देहात शदीद मुतासिर हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि तूफान के बाद इसके 2019 देहातों और कस्बों में बिजली नहीं है। रूस यूक्रेन सरहद के करीब शहर सूची में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी है जहां शहर का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तूफान मालडोवा, जॉर्जिया और बल्गारिया को भी अपनी लपेट में ले रहा है। रूस की वजारत तवानाई का कहना है कि सबसे ज्यादा मुतासर दागिस्तान, क्रास्नोदार और रोस्तोव के साथ साथ यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन, ज़ेपोरिज़िया और क्रीमिया हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद खराब मौसम की पेशगोई करते हुए कहा कि यूक्रेन में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।